कैसा चल रहा है जॉब? अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मजा आ रहा है पढ़ाने में? हाँ मजा आ रहा है। 11 12 को नहीं है, 9 10 को देख रहे। 11 12 के बच्चे सेंटअप के बाद आ ही नहीं रहे, और जब हम इंटर किया तो सेंटअप का एग्जाम चल रहा था उस टाइम में। हाँ तो 9 10 पढ़ाइए, 9 10 के लड़के भी तो बड़े होते हैं। हाँ 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 हमको तो अच्छा ही लग रहा है। असल में इसकी टीचर का जब आया ना तो हमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में इंसिस्ट किया। मैंने बिहार तो बहुत सारी लड़कियां वहां से मैसेज कर रही थी कि सर बिहार पे आप बनाइए कुछ, बीपीएससी पे बनाइए। तो 3-4 बार जब वो मैसेज आया ना तो हमने कहा, हमने 3-4 किताबें खरीद ली ठीक है, मंगवाया अमेजोन से, फिर हमने मेहनत किया, फिर हमने पूरा कोर्स ही बना दिया बीपीएससी टीचर का। और वो मतलब वो तो परमानेंट हो जाता है, उस पर वर्क कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें स्टूडेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग किया। वो पीछे एक लड़के का इंटरव्यू लिया था, वो गुड्डू हमारा स्टूडेंट है, उसने भी क्वालिफाई किया है और नेट भी क्वालिफाई किया, वो हमसे ही पढ़ के। आप सबका स्वागत है। अभी हमारे साथ में हमारी एक स्टूडेंट है पटना से, अजरा सुल्ताना। अजरा सुल्ताना, वेरी गुड। तो अजरा सुल्ताना आपका स्वागत है और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जब आप हमसे बात किया था पहली बार, क्योंकि एक चीज और है, मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति या तो YouTube में कमेंट करता है तो मैं उसको WhatsApp लिंक के थ्रू मैं WhatsApp पे भी लाता हूँ जिसको दिक्कत होती है। तो आपसे जो मेरी बात होती लास्ट टाइम, आप बहुत परेशान थे, ये मुझे जरूर याद है। तो मैंने आपको ये कहा था कि आपका हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं ये बात हमेशा आज भी कन्वे कर रहा हूँ मैसेज के, घंटे से कुछ नहीं होता, आवर्स से कुछ नहीं होता। आप कितना घंटा पढ़ते हो आपके इंटेंशन से होता है। इन्नमल आमालो बिन्नियात, एवरी एक्शन डिराइव फ्रॉम इंटेंशन। आपका नियत क्या है वो ज्यादा मायने रखता है। तो बहुत सारे लोग दुनिया में ना कम समय में बहुत कुछ कर गए हैं। अब बहुत लोग रोना ही रोते हैं। तो आप उस समय बहुत परेशान थी कि टाइम नहीं मिलता है, और आप हाउसवाइफ भी हैं कि हमें बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो और देखिए अल्टीमेटली यू हैव गॉट द सक्सेस। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अगेन बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपको ये बताना है कि कैसे आपको सफलता मिली, आप जब सुने और किस तरह से आपने तैयारी किया। थोड़ा सा जो व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो आगे बीपीएससी टीचर और अदर जैसे केवी वगैरह की भी तैयारी करते हैं, केंद्रीय विद्यालय की, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो आपसे बात हुई तो आप बहुत मोटिवेट किए कि नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, सब पॉसिबल है, तुम बस शुरू करो पढ़ना। क्योंकि मेरा पढ़ाई बहुत दिन से ड्रॉप हो चुका था, हम नहीं पढ़ पा रहे थे 3-4 साल से, घर की मसरूफियत, बाबू लोग। तो फिर शुरू किए एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किए। फिर कुछ आपका वीडियो था वो सब भी कुछ देखे, जैसे जीके जीएस वगैरह वो सब हम आपका देखे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े उससे। और एनसीईआरटी जो मेरा 11 12 9 10 का था उससे थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर था वो सब देखे। उससे हमको बहुत आसानी हुई उससे जी। और फिर और उसके बाद फिर एग्जाम का फॉर्म आया, फॉर्म अप्लाई किए, तो फिर उसके बाद आपकी गाइडलाइन कुछ रही, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें निकले। लेकिन हाँ ये बात है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, बशर्ते कि बस आप उसमें लगन होना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। और सर जैसे आप बताएं सर कि हाँ तुम ये कर सकती हो, तो हमको फिर अंदर से लगा कि हाँ शायद हम कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू किए, तो पढ़ते पढ़ते फिर कॉन्फिडेंस लगा कि नहीं हाँ अब हमको लग रहा है कि हम कर सकते हैं। फिर पेपर आया तो पेपर भी ठीक ही ठाक था, बहुत ज्यादा तो नहीं बना पाए थे, लेकिन हाँ इतना था कि क्वालिफाई कर गया अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो वही मतलब सबसे जो बड़ा मैसेज है और हम हमेशा देना चाहते हैं स्टूडेंट को भी और आपके माध्यम से कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है और कहीं पे भी मतलब होपलेस नहीं होना है इस बात को लेकर के कि कंडीशन खराब है, घर की कंडीशन खराब है। और सर जैसे आप कहे थे कि तुम हमेशा किचन में काम करो या कुछ भी करो, हमेशा अपना ये हेडफोन लगा के रखा करो, वो हमको बहुत काम आया। तो हम हमेशा हेडफोन लगा के रखते थे और सुनते रहते थे, कुछ ना कुछ सुनते रहते थे, तो उससे हमको बहुत आसानी हुई। देखिए एक चीज है टाइम ट्रैकिंग, एक चीज है ना टाइम ट्रैकिंग। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें अटेंशन की जरूरत ज्यादा नहीं होती, जैसे दाल भात सब्जी बनाते हैं, इसमें अटेंशन की ज्यादा जरूरत नहीं है जी। जैसे पढ़ाई करते हैं उसमें अटेंशन की जरूरत है। और आप जो आपके पास जो है ना अटेंशन एक प्रकार का आपका करेंसी, सपोज आपके पास 100 करेंसी है, 100 रुपए की, मान लीजिए, तो उसको आपको खर्च करना है। अब दाल भात सब्जी बनाने में आपका 20 रुपया लगता है, लेकिन पढ़ाई करने में 70 लगता है। टाइम तो उतना ही है, लेकिन उसी टाइम में आप जो है अगर हेडफोन लेकर के सुनते हैं तो समझिए, देखिए चावल चढ़ा हुआ है और आप साथ में सुन रहे हैं, तो अटेंशन आपका वहां जा रहा है, जीके पे जा रहा है। दिस इज कॉल्ड टाइम ट्रैकिंग। टाइम ट्रैकिंग जो आता है ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रूल है। तो ये सर आप ही से सीखा, क्योंकि हम बहुत टेंशन में थे कि हम कैसे पढ़े, टाइम नहीं मिल रहा है। एनसीईआरटी बस रात में थोड़ा सा देखते थे, शाम के टाइम में 2-3 घंटे, बाकी दिन सारा काम जो भी काम करते थे वो हेडफोन लगा ही करके करते थे, चाहे स्पीकर पे लगा दिया और सुनते रहते थे कुछ ना कुछ। हाँ, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो कहते हैं कि टाइम नहीं है, या जो हाउसवाइफ हैं, घर में काम करती हैं, उन सब के लिए मैं तो यही कहता हूँ एमसीक्यू को गाना समझ करके सुनते रहो। हाँ, बस वो बहुत फायदा किया हमको। अगर आप मान लो आज के जमाने में ना आप कपड़ा धो रहे हो, नहा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कपड़ा धोने का तो जमाना खत्म हो गया, वॉशिंग मशीन में हो रहा है सब चीज, कुछ भी आप कर रहे हो ना, आप जो है ना ईयरफोन लगा के और बस एमसीक्यू सुनते रहिए। तो मैं समझता हूँ इसमें आपकी 50% तैयारी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली सर टाइम मिलता कहाँ था, सारा काम किए, हेडफोन लगा कर कहीं काम करते थे, भाई सुनते रहते थे, पढ़ने का टाइम बहुत ही कम मिलता था। तो ये टाइम बच गया ना। हाँ, टाइम जो है ना उतना ही मिलता है सबको, जितना महात्मा गांधी के पास था, और जितना जो है ना बिल क्लिंटन के पास, और जितना मतलब सर वही कहने का मतलब है कि आपके पास टाइम है जितना सभी के पास है, बस उसको यूटिलाइज कैसे करना ये अपनी समझ से करना है उसको। बस उसको इसको बोलते हैं टाइम ट्रैकिंग, कैसे करना है आपको, कौन से टाइम को, जो आपका कचरा टाइम है ना, उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो जानने आना चाहिए। कई बार हम कुछ काम ऐसे करते हैं जिस काम में हमारा अटेंशन जीरो लगता है बस, लेकिन टाइम तो बर्बाद हो रहा है ना। बिल्कुल, मान लो कि हमें खड़े होके किसी का इंतजार करना है, लेकिन खड़े होके करना है इंतजार। और सबसे बड़ी बात सर कि सोचना बहुत खराब चीज है, सोच रहे हमसे होगा कि नहीं होगा कि नहीं, अल्टीमेटली हम डिसीजन नहीं ले पाते, ये इस चीज को खत्म करना होगा। हाँ बिल्कुल, तो ये अब उसके लिए क्या है कि आपको ऐसा गाइडेंस चाहिए जो आपको ये बूस्टअप दे। कभी भी मतलब ऐसे लोगों से आप मिलिए जुलिए या इंटरेक्ट कीजिए जो आपको होपफुल बनाए। देखिए दुनिया में सबसे खराब क्या है, जो आपका उम्मीदों का चोर है, जो डाकू है, जो आपकी उम्मीदों को तोड़ देता है। आपको तो बहुत सारे लोग मिले होंगे अगल बगल में, अरे क्या इस अब थोड़ी ना होता है, हाउसवाइफ हो गए, इतने बच्चे देखने, परेशान है, ये तो वो है। कहते हैं कि वो एक्चुअली वो मैसेज देना चाहते हैं, मैं तो नहीं कर सकती ना, इसलिए तू भी मत कर। समझ रहे हैं? तो एक्चुअली क्या है, होपफुल होना सबसे बड़ी मतलब पूंजी है आपकी। जी जी। तो चलिए बहुत खुशी हुई, और आपने अल्टीमेटली ज्वाइन भी कर लिया, और तो कैसा अनुभव है, मजा आ रहा है पढ़ाने में? बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों से इंटरेक्ट करके, अच्छा लग रहा है सर। शुरू में तो जैसे गया तो सेंटअप का एग्जाम चल रहा था, एग्जाम ओवर हुआ तो फिर बच्चों से इंट्रोड्यूस हुआ क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर अपना शुरू किए पढ़ाना। तो अभी आपने जो 10+2 ज्वाइन किया है, तो उसमें 11-12 के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं या किसको पढ़ा रहे हैं? सर 11-12 के स्टूडेंट अभी नहीं आ रहे क्योंकि सेंटअप टेस्ट हुआ है ना अभी। 9-10 के आते हैं तो सर 9-10 को ही हम अभी देख रहे हैं। तो आपका सब्जेक्ट तो बायोलॉजी है ना? मेरा ज़ूलॉजी है सर। ज़ूलॉजी है आपका सब्जेक्ट। जी। तो अब मैं आपसे यही कहूंगा, अब आप एकदम मतलब कॉन्सिस्टेंट हो करके, अब थोड़ा सा तुम्हारी लाइफ में मतलब पीस आ गया है एक लेवल तक, तो कंपैरेटिवली है ये वर्ड, एक जो कुछ चीजें ऐसी मिलती है उसके बाद क्या है ना, कुछ दिन तक आपके अंदर ठहराव होता है, लेकिन आगे चल करके फिर आपकी वही स्थिति हो जाती है, अनईजीनेस आ जाता है, क्योंकि वो एक एटीट्यूड है। तो आगे मैं यही कहूंगा आपको कि नेट की तैयारी आप कंटिन्यू करो, अब आप नेट भी कर सकते हो, अब आप प्रोफेसर बन सकते हो, ये मेरा मैसेज है आपको, और डेफिनेटली बन जाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बस थोड़ा सा और इसमें आपको लाइफ साइंस पढ़ना है, बॉटनी और जूलॉजी दोनों होगा आपका, मतलब एज ए होल सिलेबस होता है लाइफ साइंस पे। थोड़ा एनसीईआरटी को फोकस करके कुछ बेस्ट टेक्स्ट बुक जो आपके फील्ड में, मैं बायोलॉजी वाले का एक्सपर्ट है, मैं उनसे बात कर लूंगा, ठीक है? और आप मतलब एक टारगेट बनाओ कि जैसे 2024 आप तैयारी करो पूरी, मतलब नेट की, और मुझे उम्मीद है 2024 होते होते लास्ट दिसंबर तक में 1 साल का टारगेट रखो तो आपका नेट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आगे तुम प्रोफेसर बन सकते हो, ये मैं बता रहा हूं। सबसे बड़ी बात कि मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि सर आपसे हम बचपन में पढ़े थे और उसके बाद ये हमको याद था कि सर हमको बहुत बचपन में अच्छे से पढ़ाए थे, तो हम फिर दोबारा कॉन्टेक्ट किए तो उससे हमको बहुत अच्छा फील हुआ, लगा कि हाँ सर से बात करके सर से फिर वही मोटिवेशन मिला जो बचपन में मिला करता था। तो हम सर से क्लास 6 तक पढ़े हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि आप आगे मतलब प्रोफेसर के लिए भी तैयारी कीजिए। ठीक है, ठीक है सर, मतलब नेट की भी तैयारी कीजिए और आपका होगा। अब आपको तो उम्मीद भी है और धीरे धीरे मतलब कंसिस्टेंटली लग जाइए। आपका चूंकि इसमें फर्स्ट पेपर जो रीजनिंग वगैरह का होता है ये सब बहुत टेक्निकल है, उसके लिए बहुत किताबें नहीं पढ़नी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट नेट क्वालिफाई की है व्यापियरिंग में और उसके साथ मैंने कुछ इंटरेक्शन किया, वो आज शाम में वीडियो एक अपलोड होगा, उसको आप देख लेना। जी सर, वो फर्स्ट पेपर का पूरा स्ट्रेटजी बताते हैं, वैसे तो मैंने बताया हुआ है। और सेकेंड पेपर में जो आपका बायोलॉजी लाइफ साइंस है उसका भी वही थ्योरी अपनाइएगा कि MCQ जो है उसको सुनते रहना है, MCQ को सुनते रहिए और देखिएगा कि आपकी तैयारी स्पॉन्टेनियसली मतलब 50% लाइफ साइंस का MCQ। अच्छा ठीक है, लाइफ साइंस का MCQ मान लो, हाँ तो उसका MCQ आपको मिल जाएगा, उसको आप सुनते रहिए। हर चीज का अवेलेबल है, वीडियो है यूट्यूब पे, हाँ तो उसमें आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो और मुलाकात होती है फिर दोबारा जब आप नेट क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, और ठीक है, खुदा हाफिज। इसी के साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी विद्यार्थी को BPSC टीचर की तैयारी करनी है या BATT की, तो प्लेलिस्ट है, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए ज़रूर इसमें फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। एक तो यह है कि BPSC टीचर या BPSC दरोगा या बहुत सारी चीज़ें, लैंग्वेज है जिसको उर्दू सीखना है, हिंदी सीखना है, अरबिक है, संस्कृत है, इंग्लिश है, तो वो भी उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक बार प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, BPSC टीचर की को साइंटिफिक तरीके से आप तैयारी कीजिए, बिल्कुल 1 बाय 1 करके, उसमें सारी वीडियो है। उसी तरह BPSC बिहार दरोगा वाले विद्यार्थी भी इस पर ध्यान देंगे। और चैनल को एक बार विज़िट कीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेंगी। इसमें एक्सपर्ट सजेशंस हैं, कैरियर काउंसलिंग है और मोटिवेशनल वीडियोस है, वो सब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। किसी तरह की कोई बात हो तो आप कमेंट में मैसेज ज़रूर करेंगे।